तो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। भाई साहब, कल की ये चल रहा था और कल की मूवी आ गई और 4 दिन इस मूवी ने कंप्लीट भी कर लिए, यानी कल संडे तक इस मूवी ने धड़ाधड़ धमाकेदार धड़ल्ले से लगातार कमाई करी है। इन माय विजन ये मूवी भाई साहब सक्सेस रेट की 100% सियोरिटी अपने खाते में रखती है और ये मूवी मेरी नज़र में विनर ऑफ द विनर मूवी है। लेकिन भाई कंपैरिजन बेस पे बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड तो यही चल रहा है कि भाई साहब ये मूवी कितनी कमाई इसने करी है, उस बेस पे लोग आंकेंगे कि भाई यस ये अब हो चुकी है सक्सेस के लायक। ये लाइक 1000 करोड़ का जो हिसाब किताब चल रहा है कि कोई मूवी अगर ब्लॉकबस्टर होगी तो भाई साहब इसके बाद 1000 करोड़ का बजट तो कलेक्शन तो होना ही होना चाहिए। तो आज देखते हैं कि फर्स्ट दिन में इसने कितनी कमाई करी है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से, तेलुगू अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के हिसाब से कहाँ से कितना कमाई करा है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, पहले 3 दिन में कितना कमाया, देन उसके बाद कल संडे कैसा रहा, क्योंकि संडे पे सभी की नज़र रहती है। गेम चेंजिंग साबित होता है अगर शुरुआत सही नहीं होती है। लेकिन भाई साहब मैं कहूँ, अगर मैं बताऊँ तो कल्कि की जो स्टार्टिंग से फॉर्म रही है वो कंटिन्यूसली ग्रोथिंग पे रही है। देन उसके बाद भाई ये भी देखेंगे कि फर्स्ट डे पे सबकी जो नज़र रहती है कि पहले दिन में इस मूवी ने कितनी कमाई करी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी मूवी के इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो 2 मिनट का इंतजार और अभी सारी चीजें बताने वाला हूं। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। डे वन की स्टार्टिंग से बात करेंगे। कल की 2898 191 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है इस मूवी का डे फर्स्ट के लिए। वही बात अगर 99 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें डे वन के लिए ऑल लैंग्वेज को मिला के, तो 95 करोड़ 30 लाख, एंड जिसमें से तेलुगू ओरिजिनल लैंग्वेज से 65 करोड़ 80 लाख एंड हिंदी से 22 करोड़ 50 लाख। भाई साहब हिंदी शुरुआत में स्लो रहता है, लेकिन हिंदी ऑडियंस को जैसे जैसे मामला में मजे आने लगते हैं और वो हाई पीक बढ़ाने लग जाती है डे बाय डे, क्योंकि वहां पर डे टू पर आप नंबर देख सकते हो अलग ही रहेगा अनुजा। डे टू पर भाई साहब नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 57 करोड़ 60 लाख का रहा, जिसमें से तेलुगू का 28 करोड़ 85 लाख, क्योंकि फ्राइडे कुछ जगह पर फ्राइडे वर्किंग डे भी होता है और हमेशा साउथ की मूवीज में यही होता है कि डे वन के लिए बहुत हाई कलेक्शन आता है और डे टू पर वो कलेक्शन आधे से भी आधा नीचे आ जाता है। लेकिन कल्कि के मामले में फिर भी मेंटेनेंस बराबर रही है। हिंदी वही बराबर रहा है डे टू पर 23 करोड़ के आसपास, एंड डे थ्री की बात करें यानी परसों सैटरडे की बात करें जो गेम चेंजिंग साबित हुआ, ग्रोथ हुई 64 करोड़ 50 लाख नेट इंडियन कलेक्शन डे थ्री से आया, एंड तेलुगू ओरिजिनल लैंग्वेज 30 करोड़ 65 लाख, देन उसके बाद हिंदी से आया 26 करोड़। भाई साहब धीरे धीरे हिंदी का जो है ना रीजन वो बढ़ते जाता है। और उससे पहले 3 दिन का कलेक्शन देखें, पहले 3 दिन का तो नेट इंडियन से ये मूवी पहले 3 दिन में यानी परसों सैटरडे एंड ऑफ द डे तक 217 करोड़ 40 लाख कमा चुकी थी, और तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज से 125 करोड़ 30 लाख कमा चुकी थी और हिंदी से 71 करोड़ 50 लाख। सिर्फ हिंदी मार्जिन जो सेकेंड हाइएस्ट मार्जिन है, बाकी अदर लैंग्वेज तमिल हो गई, कन्नड़ा हो गई, मलयालम हो गई, उनसे भी अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन सेकेंड पर हिंदी ही रहा है और लास्ट में हिंदी बहुत अच्छा कलेक्शन इस मूवी को देके जाएगा। देन उसके बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, पहले 3 दिन में तो इतना मामला क्लियर नहीं था, लेकिन 420 से 450 करोड़ के आसपास ये मूवी पहले 3 दिन में ही छाप चुकी थी, जो बहुत सी बड़ी बड़ी मूवी यानी टाइगर 3 की बात कर ले जिसका वर्ल्ड टोटल बॉक्स लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 450 करोड़ के आसपास ही था। तो भाई साहब टाइगर 3 की धज्जियां उड़ा दी इसने। कल बात करें संडे की तो अर्ली एस्टिमेट है भाई साहब नेट इंडियन से 85 करोड़ का एंड तेलुगु से 36 करोड़ 80 लाख, और हिंदी भाई साहब संडे को आया है 39 करोड़, जो परसों सैटरडे 26 करोड़ था, यानी 13 करोड़ का इजाफा देखने को मिला कल संडे एंड ऑफ द डे तक। देन उसका टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे फोर का एंड ऑफ द डे तक की बात करें तो लगभग 302 करोड़ इस मूवी नेट इंडिया से छाप चुकी थी, तेलुगु से 162 करोड़, हिंदी से 110 करोड़, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 550 करोड़ प्लस यानी 570 करोड़ के आसपास। तो भाई ये मूवी दमदार कमाल धमाल तो कर ही रही है, और बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल कर ही रही है, दर्शकों थिएटर में भी कमाल कर ही रही है। जो भी जा रहा है भाई दिल खुश होकर ही लौट रहा है, क्योंकि जिस हिसाब का कंटेंट नागस्विन ने इसमें दिया है भाई काबिले तारीफ है और बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए इस पे, क्योंकि इंडिया की पहली डिस्टोपियन एरा की मूवी है जो भाई दिल से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि हॉलीवुड लेवल का वो मैचअप देने की कोशिश करी है। हाँ, बात करें रिकॉर्ड ब्रेकिंग के मामले में तो भाई साहब डे वन पर बाहुबली 2 200 करोड़ का जाइंट रिकॉर्ड सेट करके बैठी थी, RRR 223 करोड़ का जाइंट रिकॉर्ड अपने खाते में लेके बैठी है, और KGF 2 डे वन पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 164 करोड़ और जवान 130 करोड़, और
और सलार 178 करोड़ ये अपने खाते में ले चुकी थी। और कल की 2898 ये मूवी 191 करोड़ डे वन पर कमा के लेके आई है। तो ऐसा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड रह गया और RRR का भी रिकॉर्ड रह गया, बाकी KGF 2 को तोड़ दिया, जवान को तोड़ दिया और सलार को तोड़ दिया। तो अभी तो भाई साहब बहुत से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं क्योंकि लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में इस मूवी को प्रॉमिस करा जा रहा है कि 2000 करोड़ तो ये मूवी इजिली ठोंक के जाने वाली है। भाई नज़र सिर्फ इतनी है कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी, जो लाइफ टाइम कलेक्शन 1800 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने खाते में लेके आ चुकी है, मतलब लेके रखे रखाई है। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग जरूर बता के जाना कि क्या हो सकता है, क्या ये मूवी 2000 करोड़ तोड़ सकती है, और क्या KGF 2 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1300 करोड़ के आसपास है वो तोड़ सकती है, RRR का लगभग 1200 करोड़ के आसपास है क्या वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जो भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने भी ये मूवी देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।